पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा न्यूयॉर्क में हुई G77 मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में पाक के मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में रविवार को जनपद मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका और बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भुट्टो के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कागज पर बने पाकिस्तान के झंडे को फूंककर अपना विरोध जताया। इसी के साथ सिटी मजिस्ट्रेट अनूप सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, ऐसे में देश की जनता से पाक को माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद रही, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो अशोभनीय टिप्पणी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति की है, उससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे समाज में आक्रोश है। हिंदुस्तान एक बिल्कुल दुनिया के अंदर अलग प्रकार का देश है। हम पक्ष विपक्ष की यहाँ पे संघर्ष करते रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई दूसरे देश का विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाएगी। और सच्चाई तो यह है कि जब से 370 और 35A को हटाया गया, कश्मीर और श्रीनगर हमारा प्रदेश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान का एक पूर्ण रूप से हिस्सा बना, पाकिस्तान उस चीज़ को सहन कर ही नहीं पा रहा है। सच्चाई तो यह है कि कसाई तो पाकिस्तान पैदा करता है। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है। सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में जानती है इस बात को कि पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करके दूसरे देशों में अपने आतंकवादियों को भेजकर आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की। देखिए, मोदी जी को आप सब जानते हैं। मोदी जी पूरी दुनिया में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उसकी पहल की है, अब पूरी दुनिया उसको स्वीकार किया है। केवल पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भ्रष्ट किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए उसकी निंदा भी की गई। तो हमको लगता है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसी के कारण से उन्हें मोदी जी पर बहुत खराब टिप्पणी की है। पूरे भारत के प्रत्येक देशवासी में, प्रत्येक राष्ट्रभक्त में इस विषय को लेकर के बेहद आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन हम सब ने दिया है। जिला अध्यक्ष हमारे विजय शुक्ला जी, हमारे सत्येंद्र सिसोदिया जी हमारे जिले के प्रभारी हैं, भाजपा के सब लोग, समाज के अन्य सब लोग, इन सब ने मिलकर के ज्ञापन दिया है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को, ऐसे विदेश मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न बैठने दिया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए, उसको वीजा ना मिले और पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करके उसके खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए।